अब अगर 1049 क्यूब पानी दिल्ली में आ रहे तो पानी जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक बनावटी किल्लत यहां पर पैदा करी है ताकि उनकी सरकार भ्रष्टाचार कर सके और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। आप ये देखिए, आईएमडी ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली। कोई मास्टर एक्शन वाटर प्लान मार्च में जो बन जाना चाहिए था, जहां पे सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं बुलाया। किसी प्रकार के इन्होंने स्टेप्स पहले नहीं लिए। वो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ मुनाफे में था, आज 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। आम आदमी पार्टी के एक दशक की सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए का घाटा करवा दिया दिल्ली जल बोर्ड में। कुछ नहीं है, ये वो निकम्मी सरकार है जो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लगती है, इनकी जवाबदेही बनती है। और दिल्ली जो आज बूंद बूंद को लिए तरस रही है, इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार है।